ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट जो है वो फर्दर आगे डिवाइड हुए हैं, ठीक है। उसमें क्या है, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स, और ये एक न्यू टर्म है आपके लिए, MAMMPHI, फी BIBANS, एम्फीबियंस। ओके, ये सारी ये जो हैं अब वर्टिब्रेट्स की फर्दर ग्रुपिंग है। ओके, यानी अब इनकी फर्दर सब डिवीजन हो रही है। सो अब ये क्या है, देखिए, अब फिशेस हैं। फिशेस में उसने एग्जांपल किसकी दी है, ट्रॉट, ट्यूना, शार्क, ये फिश की एग्जांपल है। अब ये कहाँ रहती हैं, ठीक है, ये जिस इन्वायरमेंट में रहती है फर्दर, अब ये कौन सी इन्वायरमेंट में रहती है, उन्होंने फर्दर मेंशन किया है कि ये वाटर में। अब फिशेस हैं, जारी बात है वो वाटर में ही रहती हैं, अब अर्थ पे सॉइल पे तो नहीं रह सकती है। इसी तरह एम्फीबियन है, एम्फीबियन से उन्होंने क्या है, फ्रॉग, न्यूट एंड सेलामेंडर। बच्चों एम्फीबियंस जो है ना, ये जो है ना बहुत स्लिपरी बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं, मतलब शाइनी सी इनकी स्किन होती है। सेलामेंडर जो है वो बिल्कुल इस तरह का होता है जैसे आप अर्थ फॉर्म्स देखते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेता है, बहुत स्लिपरी सा होता है। इसी तरह न्यूट होता है। अब नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या है, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स। ओके, फिर बर्ड। बर्ड में क्या है, पिजन। पिजन किसे कहते हैं, कबूतर, हैन, स्पैरो, आउल एंड सीगल। एंड देन मैमल्स में कौन कौन आ जाते हैं, मैमल्स उसमें क्या है, डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउ, लाइन, ये सारे जो हैं वो किसमें, मतलब और भी बहुत सारे हैं। मैमल्स कौन से जानवर होते हैं, किन्हें मैमल्स हम कहते हैं, वो सब जो कि फीड करवा सकते हैं अपने बच्चों को, उनको क्या कहते हैं, हम मैमल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब जो हैं, जो जिनसे जो अपने ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको फीड करवा सकते हैं खुद से, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनको बेसिकली कहते हैं हम मैमल्स। हम गोट से मिल्क लेते हैं ना, लेकिन डॉग जो है, अब उसका मिल्क तो नहीं हम पीते, बट उसकी भी जो मदर है वो अपने बेबीज को फीड करवाती है, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट इसमें आपने जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको हमने याद करना, वो ये है कि फिश है, तो फिश जो है वो किस तरह की इन्वायरमेंट में रहती है और उसके ऊपर क्या होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, इसकी हैबिटेट क्या है, लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर, ठीक है। कहाँ पे रहती है, वाटर में, मैंने आपको पहले बताया ये किस इन्वायरमेंट रहेगी, पानी में। इसी तरह एम्फीबियंस जो हैं, फ्रॉग, न्यूट और सेलामेंडर, ये भी कहाँ रहते हैं, ये कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी दोनों इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स क्या है कि कुछ रेप्टाइल्स हैं वो पानी में रहते हैं, कुछ जो है वो ज़मीन पे रहते हैं, इट्स देयर ओन चॉइस, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो ज़मीन पे रह सकते हैं, कुछ इनमें से जो हैं वो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ देर पानी में रहेंगे उसके बाद ज़मीन पे। ओके, इसी तरह बर्ड्स हैं। अब बर्ड्स क्या है, मोस्टली लिव ऑन लैंड, जो बर्ड्स हैं वो क्या है, ज़मीन पर रहते हैं। लेकिन अब इन्होंने बर्ड्स में एग्जांपल दी है सीगल की। सीगल जो है ये बच्चों जो है लैंड उसके ऊपर भी होता है। डक्स जो हैं वो भी आप लोग देखते होंगे, ये पानी में भी तैर रही होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है, मोस्टली जो है वो लैंड पे रहते हैं, लेकिन कुछ जो है वो पानी में वैसे ही मूव करते रहते हैं। मैमल्स हैं। मैमल्स कहाँ पे रहते हैं, ये भी मोस्टली ऑन लैंड है, लेकिन कुछ मैमल्स जो हैं वो पानी में भी रहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इन्होंने स्टेरिक्स लगाए हुए हैं, लुक एट दिस, ये स्टार, इसको इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया, डक्स एंड गीज लिव ऑन लैंड एंड वाटर। ओके, इसी तरह यहाँ पर उन्होंने डबल स्टेरिक लगाया जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स लिव इन वाटर। ओके, उसके बाद ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय लेइंग एग्स इन वाटर। इसी तरह जो है ये एम्फीबियंस हैं, ये किस तरह से करते हैं, लेइंग एग्स इन वाटर, ये भी वाटर में एग्स देते हैं, ये भी एग्स देते हैं एम्फीबियंस। लेकिन जो एम्फी रेप्टाइल्स हैं वो एग्स अब जो दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, लैंड के ऊपर। ओके, और जो हमारे पास हैं बर्ड्स, ये जो एग्स देते हैं ये शेल्स की फॉर्म में देते हैं, हार्ड शेल्स, अंडा जो होता है। हैव यू एवर नोटिस कि जो स्पैरो है वो अंडा देती है, ठीक है, उनके शेल्स होते हैं प्रॉपर। हैन है, उसका जो अंडा होता है। इसी तरह मैमल्स हैं, गिविंग बर्थ ऑन लैंड, कि ये ज़मीन पर अपने बच्चे इनके पैदा होते हैं, बिल्ली के, ह्यूमंस के, इन सब के जो बेबीज बॉर्न होते हैं। ओके, ये अब वर्टिब्रेट्स जो है, ये वाला हमारा टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके।